तो बात शुरू होती है हॉस्टल के एक छोटे से रूम से, जहाँ सुबह सबसे पहले उठ के बारी लगानी और नहा के धो के रेडी हो के मैस में खाना वगैरह खा के कॉलेज के लिए रेडी होना। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश की, और इसके साथ स्क्राइट सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। तो यहाँ हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं अपने अपने सपने लेकर, और चार साल तक यहाँ खेलते कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और कई अपने सपनों को साकार करते हैं और कई अलविदा। तो इसी तरह हंसते हेलते हुए मैंने भी अपना एक साल निकाल लिया, और अब है बारी दूसरे साल की। तो कॉलेज लगे हुए एक महीना हो गया था, लेकिन मैं आज घर से आ रहा हूँ और आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मैं जस्ट अभी उठा हूँ। तो इस टाइम मैं हॉस्टल में हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज का। तो सबसे पहले नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद खाना वगैरह खा के कॉलेज के लिए रेडी होंगे। तो मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद, दिखा देता हूँ आपको रूम। रूम कंजेस्टेड रूम है थोड़ा सा। तो ये है हमारा हॉस्टल रूम, ये है हमारा रूम, ये देखो मेरा बैग पड़ा है। फ़िलहाल अभी मुझे रूम अलाट नहीं हुआ है। ये एक चार आ गया, बेड आ गया, ये बीच में टेबल, और ये दूसरा बेड, एक टेबल इधर, ये अलमीरा है साथ में। ये सामान जो बेकार सा ऊपर रखा हमने, ये देख लिए कपड़े वगैरह, क्योंकि अभी तक मुझे रूम अलाट नहीं हुआ है। मैं जस्ट परसों इधर पहुँचा हूँ, तो अभी प्रोसेस चल रहा है हॉस्टल रूम अलाटमेंट का। तो जिसकी वजह से हम तीन जने एक रूम में एडजस्ट हुए हैं टेम्प्रेरी के लिए, मैं इनके साथ हूँ। तो थोड़ा कंजेस्टेड सा है, लेकिन टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये हॉस्टल है, इसके रूम छोटे छोटे हैं। दूसरा हॉस्टल था हमारा पहला हॉस्टल, उसमें बड़े बड़े रूम थे। तो मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद फ्रेश वगैरह होके, तब तक के लिए बाय बाय। सो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और रेडी हो गए हैं, देख लीजिए कॉलेज के लिए ये सारे। और ये मेरे रूममेट जो तीन एक रूम में एडजस्ट हुए हैं टेम्प्रेरी के लिए। तो इसमें जो आपको बता दूँ, सबसे पीछे वाला ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट में आते हैं। सुबह मुर्गा लेट उठता है, उससे पहले ये उठ जाता है। और मैं उठा था तो ये नहा धो के फ्रेश होके पूरा रेडी हो गया था, और अब हम जा रहे हैं कॉलेज के लिए। तो निकलते हैं रूम से, फिर मिलते हैं बाहर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, हम हॉस्टल से निकल गए हैं और रास्ते में पहुंच गए हैं। तो फाइनली टाइम हो गया 9:30, 9:30 हमारी क्लास होती है, तो काफ़ी लेट हो गए हैं। थोड़ा सा इशू आ गया था, वो सर वगैरह हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी वजह से हम लेट हो गए हैं। तो ये मेरे साथ हैं कुछ मेरे फ्रेंड्स, और बाकी सब पीछे आ रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं, देख सकते हो आप, वो आगे चल रहे हैं। और कोई आधा घंटा लग जाएगा कॉलेज तक पहुँचने के लिए, तो लगता है पहली क्लास तो मिस हो गई हमारी। तो मिलते हैं आपसे कॉलेज पहुंचने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। देख लो, पहली क्लास मिस हो गया तो ये कितने खुश हो रहे हैं पहली क्लास मिस होने की खुशी में। लेकिन मेरा तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट क्लास है मेरी, मेरे को कोई पता नहीं है दिन दुनिया का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वहां जाने के बाद फिर देखते हैं क्या सिस्टम है, कैसा चलता है। ये तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये अगर पढ़े ना पढ़े इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फाइनली हम पहुँच गए आर के हॉस्टल के बाहर, जहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ इनके साथ चल रहा है फ़ोटोशूट, और सर कर रहे हैं अपना काम, सर बाहर खड़े हैं और हमें आर के हॉस्टल के बाहर बुलाया है। कोई 5 मिनट का प्रोग्राम है, उसके बाद हम जा रहे हैं कॉलेज के लिए, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली छुटकारा मिल गया काफ़ी देर के, कोई आधा पौना घंटे का समय लग गया हमें, इशू था छोटा सा, वो फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा था, कोई प्रोग्राम चल रहा था उनका। तो उसके बाद अब जा रहे हैं हम कॉलेज के लिए। तो बाकी ये मेरे फ्रेंड्स कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं, आधे तो इस टाइम फर्स्ट क्लास अटेंड कर चुके होंगे, लेकिन हम लेट हो गए थे जिसकी वजह से अभी स्टार्टिंग हुई है। तो आज मेरी वैसे भी फर्स्ट क्लास है, देखते हैं
बाकी वाले सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पढ़े ना पढ़े, इनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, लेकिन मैं मेरे को फर्स्ट क्लास है, मेरे को कुछ आए ना आए, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया उससे तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं है। बाकी मिलता हूँ आपके कॉलेज के बाहर, अभी काफ़ी रास्ता है, कोई 15 मिनट लग ही जाएंगे, तो कॉलेज के बाहर पहुँचने के बाद फिर मिलते हैं, देखते हैं पहली क्लास हो चुकी है उसके बाद क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो आइए ले चलते हैं आपको स्क्राइट की ओर। स्क्राइट जानी सर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। सभी बच्चों की क्लासें उनके ब्रांच के अकॉर्डिंग लगती हैं और उनके ब्रांच के अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट हैं, और मेरा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं IT की ब्रांच का हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने डिपार्टमेंट के बाहर, ये रहा मेरा डिपार्टमेंट, तो मैं डिपार्टमेंट में एंटर करूँगा और कैमरा अपना ऑफ, तो मिलता हूँ आपसे क्लास में अगर मौका मिला तब तक के लिए बाय बाय। तो देखते रहिए मंजी गुलेरिया ब्लॉग्स।